से आपका जीवन कैसे बदलेगा? इस दुनिया में रोजाना लाखों लोग ध्यान करने का अभ्यास करते हैं, इस उम्मीद में कि ध्यान से उनका जीवन बदलेगा, ध्यान से उनके जीवन में सुख और शांति आएगी, उनके दुहक, कष्ट और मानसिक बीमारियों का नाश होगा। लेकिन कुछ समय के पश्चात उनकी यह उम्मीद टूट जाती है। ऐसा कुछ भी उनके जीवन में घटित नहीं होता और वो ध्यान करना छोड़ देते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन के सत्य को केवल ध्यान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने तो यहां तक कह दिया कि एक ध्यानी व्यक्ति ही जीवन के असली सुख का अनुभव कर सकता है। एक ध्यानी व्यक्ति ही धन और भौतिक वस्तुओं का सही अर्थ में इस्तेमाल कर सकता है। हम ऐसे कितने ही लोगों से मिलते हैं और अपने आसपास देखते हैं जो बहुत ज्यादा धनी है, लेकिन उनके पास सच्चा सुख नहीं है, रात की नींद नहीं है और खुद के लिए और अपने परिवार के लिए समय नहीं है। इसलिए इन महापुरुषों की बातों में सच्चाई है। अगर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, ध्यान की गहराइयों में नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका कारण भी आप स्वयं हैं। ध्यान सार्वभौमिक है, चाहे आप कोई भी हो और किसी भी देश काल से हो, ध्यान अपना काम करता है। ध्यान से हर एक इंसान की दुनिया ही बदल जाती है। जब इंसान ध्यान करना शुरू करता है, तब उसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ध्यान करना मतलब मन का मरना शुरू हो जाता है और मन बद्धा चंचल होता है, वो अपने को मरने देना नहीं चाहता है। इसलिए शुरुआती दिन आपकी लड़ाई वाले दिन होते हैं। कुछ लोग धैर्यवान होते हैं और ये लड़ाई जीत जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपने मन से ये लड़ाई हार जाते हैं। मन जीता तो आप फिर उसी गंदगी के नाले में गिर जाते हो, जहां से बाहर निकलने की चेष्टा से आपने ध्यान शुरू किया था। आप जीत गए तो स्वर्गीय अनुभूतियों के पात्र बन जाते हो। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखा तो आज आप समझ जाएंगे कि कैसे आप गहरे ध्यान में उतर सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। महात्मा की पाठशाला चल रही है, जहां पर वो अपने शिष्य रघुनाथ को, जिसे अभी ध्यान करते करते एक महीना भी नहीं हुआ था, इस बात को एक उपदेश के माध्यम से उसे समझा रहे हैं। रघुनाथ हाथ जोड़े व सर को झुकाए खड़ा होता है और बोलता है, भगवान, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो मेरा ध्यान लग नहीं पाता। अनगिनत विचार मेरे मन में उठने लगते हैं, मेरा सर जोर जोर से घूमने लगता है और मैं बहुत बेचैन हो जाता हूं। मेरा ध्यान बीच में ही टूट जाता है और फिर ध्यान करने का मन नहीं करता। महात्मा ध्यानस्थ अवस्था में बैठे सुन रहे थे। तभी महात्मा ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोले, रघु, मेरे पास आओ। महात्मा रघुनाथ को प्यार से रघु कहकर पुकारते थे। रघु महात्मा के समीप आ गया। मेरे पास बैठो। वह महात्मा के चरणों में बैठ गया। तब भी महात्मा ने अपने शिष्य आनंद को एक पत्थर और एक हथौड़ा लाने के लिए बोला। आनंद ने ऐसा ही किया। वह एक पत्थर और हथौड़ा लेकर आ गया। फिर महात्मा ने आनंद से उस पत्थर पर हथौड़ा से चोट करने के लिए बोला। आनंद ने पत्थर पर हथौड़ा से प्रहार करना शुरू कर दिया और कई चोट करने के बाद पत्थर कई टुकड़ों में टूट गया। इस पत्थर के टूटने वाली घटना से तुम्हें क्या समझ आया? महात्मा ने रघु से पूछा। जी, मैं कुछ समझा नहीं। फिर महात्मा ने इस घटना को समझाते हुए रघु से कहा, यह पत्थर कई चोट करने पर आखिरी चोट पर टूटा। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह पत्थर आखिरी चोट के प्रहार से टूटा। इस पत्थर को तोड़ने में जितनी भूमिका आखिरी चोट की थी, उतनी ही पहली चोट की भी थी। इसी प्रकार ध्यान के शुरुआती दिन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि आखिर के दिन, जब व्यक्ति को बुद्धत्व उपलब्ध होता है या उसका ध्यान फलित होता है। जो कुछ भी आपको ध्यान के शुरुआती दिनों में अनुभव होता है,
वह ध्यान की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। साधक को धैर्य बनाकर रखना होता है। साधक को उन अनुभवों से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि हर लंबी यात्रा का स्वर पहले कदम से शुरू होता है। एक एक कदम चलकर ही मंजिल को प्राप्त किया जाता है। इस बात को बेहद ही ध्यान से समझने की जरूरत है। यही तो सूत्र है। जिस प्रकार बीज को जमीन में डाला जाता है, बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, फिर उस पर फल आता है, उसी प्रकार ध्यान के शुरुआती दिनों में साधक कई प्रकार की रुकावट अनुभव करता है। फिर महीनों सालों तक अभ्यास किया जाता है, तब ध्यान फलित होता है। इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए महात्मा बोले, रघु, तुम्हें ध्यान में होने वाले अनुभवों से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें निरंतर अपने ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। रघु को महात्मा की बातें समझ आ गई। फिर रघु ने महात्मा से पूछा कि उसे ध्यान का अभ्यास कब और कितने समय के लिए करना चाहिए। महात्मा ने बताया कि सबसे पहले दिन में 2 बार, एक बार सुबह नींद खुलने के बाद और दूसरी बार सोने से पहले ध्यान में बैठना उत्तम होता है। जब दिन में 2 बार सुबह और शाम को ध्यान में बैठने का अभ्यास हो जाए, तो ध्यान को धीरे धीरे दैनिक कार्यों में साधना चाहिए। जैसे कि तुम चल रहे हो, अब अपने ध्यान को साधो। हर एक कदम को ध्यान के साथ उठाओ। खाना खाते वक्त खाने को महसूस करो। किसी से बातचीत करते समय कानों पर पड़ रहे शब्दों को महसूस करो। ऐसा करने से ध्यान में गहराई आएगी, होश बढ़ने लगेगा। ऊपर ऊपर से आप सारे सांसारिक कार्य करते रहेंगे और तुम्हारे भीतर ध्यान रूपी दीपक सतत जलता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा 24 घंटे होश बना रहेगा, नींद में भी। रघु ने महात्मा को धन्यवाद दिया और बैठ गया। रघुनाथ, शिष्य की सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। रघु ने अपने अंतःकरण में संकल्प लिया कि जैसा बताया गया है वो अब ऐसा ही करेगा। तभी धीरज नाम के एक दूसरे शिष्य ने महात्मा को अपनी समस्या रखी। वह युवक बोला, भगवान, मुझे ध्यान करते हुए 2 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं। पिछले कई महीनों से ऐसा हो रहा है कि कभी ध्यान लगता है, कभी नहीं। 2 वर्ष के बाद ध्यान में जो गहराई आनी चाहिए थी वो आ नहीं पा रही है। महात्मा युवक की समस्या को समझ गया और बोला, हे युवक, अब ध्यान से सुनो। तुम्हें अब पूरे दिन होश में रहने का सतत प्रयास करना होगा, न केवल कुछ निश्चित समय के लिए। इस सूत्र को समझो कि ध्यान एक नदी की तरह होना चाहिए जो निरंतर बहती रहती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपनी आंखों को बंद करना है और 10 गहरी सांसें लेनी है। ऐसा करने से आप अपने अंतःकरण से जुड़ जाओगे और होश से भर जाओगे। जब तक काम पूर्ण ना हो जाए, होश को सादे रखना है। आपको एक साथ सभी कामों में ध्यान को साधने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले किसी एक काम को ले लो जिसे पूर्ण होश के साथ करना है। जैसे कि खाना खाने के काम को ले सकते हैं। रोजाना इस काम को पूर्ण होश के साथ करो। बीच बीच में अन्य विचार आएंगे, ध्यान टूटेगा, लेकिन चिंता नहीं करनी है। समय के साथ साथ महीने 2 महीने में ध्यान सधने लगेगा। जब इस काम में ध्यान सधने लगे तो किसी और दूसरे काम में ध्यान को साधो। ऐसे एक एक करके दिन के प्रत्येक कार्य में अपने ध्यान को साधना शुरू करो। प्रत्येक कार्य में ध्यान को साधते साधते एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर से अकारण आनंद का झरना फूट पड़ा। तुम हवा के जैसे हल्के हो गए। तुम्हारा उस अनंत से नाता हो गया। तुम घर लौट आए। तुम अब करता ना रहे। सब कुछ समय के भीतर घट रहा है और तुम समय से बाहर हो गए। अब जीवन में दुहक तो होंगे लेकिन तुम्हारे नहीं। समस्याएं तो अभी भी होंगी लेकिन तुम्हारी नहीं। तुम तो बस जो घट रहा है इसके साक्षी हो जाओगे। तभी महात्मा ने देखा रघु व सभी शिष्यों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अचानक पूरे वातावरण में दिव्यता छा गई
जैसे स्वयं ईश्वर अवतरित हो गए हों। सभी को पहली बार ध्यान घटित हुआ। बस इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न या सुझाव हैं, तो कृपया हमसे साझा करें। हमारी नई वीडियो के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे साथ बने रहे और इस चैनल को सपोर्ट करें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद और मिलते हैं।